कि आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन प्लस मैरिज सर्टिफिकेट प्लस कोर्ट मैरिज। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताया क्या है दोस्तों, इसमें आपको वकील करने की जरूरत नहीं है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आपने कई बार ट्रैवल करते हुए या कहीं घूमते हुए बस में जाते हुए कई बार आपने रोडों पे या फिर कहीं पे एक देखा होगा जो पेन से मतलब हाथ से कलर से लिखा होता है नंबर कोर्ट मैरिज। कई बार माइंड में जाते नहीं है कोर्ट मैरिज क्या होती है, कोई सोचते हो कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज करने को मैरिज कहते हैं, कोर्ट मैरिज कहते हैं, ऐसा नहीं है दोस्त बिल्कुल। कोर्ट मैरिज का मतलब ये होता है आपका एसडीएम कोर्ट से होता है। पहली बात तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की नहीं होती, कोर्ट मैरिज जैसे मान लो लड़का 21 साल का लड़की 18 साल की और वो शादी करना चाहते हैं, फैमिली एग्री है, वो फालतू की झंझट करना नहीं चाहते कि बैंड बाजा इसमें खर्चा होगा ये होगा, सिंपल सी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उससे क्या एटलीस्ट तुम्हारा पैसा बचेगा, उस पैसे को आप अपना फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हो जो आगे की जर्नी के लिए काम आ सकता है। अभी कोर्ट मैरिज कैसे करते हैं इसका मैं प्रोसेस आपको बता दूँ। इसमें क्या है दोस्तों, पहली बात तो आपको आधार कार्ड और एक पैन कार्ड चाहिए। पैन कार्ड ना हो तो 10 का सर्टिफिकेट, मतलब एक एड्रेस प्रूफ, एक डेट ऑफ बर्थ, दोनों माइंडेड। वही चीज़ आपके हस्बैंड के चाहिए, तुम लड़के के भी वही चीज़, लड़की के भी वही चीज़। और इसमें तीन विटनेस चाहिए और तीनों विटनेस दिल्ली के होने चाहिए अगर दिल्ली में आप कर रहे हो, ठीक है। विटनेस के आधार कार्ड, पैन, ठीक है। ये सब आप ऑनलाइन प्रोसेस कर, ऑनलाइन प्रोसेस करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद में वहाँ से आप अपॉइंटमेंट लो। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप अपने एरिया के एसडीएम ऑफिस में जाओगे, जो आपके एरिया का तहसील ऑफिस जिसे कहते हो आप, उसमें, ठीक है। वहाँ जाके आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके जाना है, वहाँ उन्हें शो करना है। शो करने के बाद वो एक डेट आपको डिक्लेयर करेंगे एक महीने बाद। दैट इज, ये है कोर्ट मैरिज। इसीलिए इसमें एक महीने की वेटिंग लगती है कि एक महीने वो एक नोटिस पीरियड जारी करते हैं कि किसी को कोई साजिश आपत्ति है तो वो आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फैमिली को भी नोटिस जाता है उस केस में कि जी ये बच्चे शादी वादी कर रहे हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है क्या? ऐसे तो भैया बालिग हो चुके हैं तो किसी को क्या ऑब्जेक्शन होगा, अपनी मर्जी से आप शादी कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो, स्वतंत्र भारत में रह रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो वो करने के बाद जो डेट आपको एक महीने बाद मिलती है उसी को कोर्ट मैरिज कहते हैं, ठीक है। उसे रजिस्ट्रेशन कराना, वो फिर क्या करेंगे, जैसे ही आपको एक महीने बाद की डेट मिलेगी उस टाइम पे तीनों विटनेस और हस्बैंड वाइफ चारों को पांचों को जाना होता है। जब 5% वहाँ जाओगे तो एसडीएम आपको शपथ दिलाता है शादी की। जैसे ही वो शपथ दिलाएगा, दिलाने के बाद आपके आपकी फ़ोटो होगी, फ़ोटो होने के बाद हफ्ता 10 दिन के अंदर वो सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करें, वो होगी आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन प्लस मैरिज सर्टिफिकेट प्लस कोर्ट मैरिज। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताया क्या है दोस्तों, इसमें आपको वकील करने की जरूरत नहीं है। कई लोग कोर्ट मैरिज का नाम सुनते के साथ ही सोचते हैं यार वकील करना पड़ेगा। कोर्ट मैरिज में वकील करने की जरूरत नहीं है भैया, आप बस ऑनलाइन जाके तहसील में जाके बात करके कि प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस मैंने बता दिया, तो तहसील का काम तो मैंने आपका आधा यहीं कर दिया, क्यों? और बस ऑनलाइन अप्लाई करके डॉक्यूमेंट लेके आप बात कर सकते हो। और इसकी फीस भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, नॉर्मल फीस है 500-1000 रुपये। बाकी आपका डॉक्यूमेंटेशन का जो किसी कंसल्ट लेते हो या जो करते हो उनका उनका खर्चा है, बस। ये है तरीका, एक्चुअल में कोर्ट मैरिज इसे कहते हैं। और कोर्ट मैरिज करने का तरीका ऐसे है, आप खुद भी करना चाहो घर में सेविंग की वजह से, जैसे कई खर्चे अफोर्ड नहीं कर पाते रिश्तेदारों के, इन चीज़ों के, तो आप कोर्ट मैरिज प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। एटलीस्ट दोनों परिवार के पैसे बच जाते हैं, और जिनके पास पैसा है तो भाई उसे तो हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है, आपको पता ही है, रस्में उसमें होती है, तो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं यार दोस्तों, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरा नंबर है स्क्रीन पे, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कभी भी, एनी टाइम। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।